दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले लॉरेंस बिश्नोई जैसे ही पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आए, पंजाब पुलिस पूरी तरह से सख्ती के मूड में आ चुकी है, क्योंकि शुरुआती दो दिन की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस के सवालों का सीधा सीधा जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया। असल मायने में तो वह पुलिस को ही उलझा रहा है। इसके बाद अब पुलिस पूरी तरह से सख्ती के मूड में आ चुकी है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को थर्ड डिग्री टॉर्चर देना भी शुरू कर दिया है। थर्ड डिग्री टॉर्चर की अगर बात करें तो इसमें कैदी को ना तो खाना पीना दिया जाता है, साथ ही शौच करने की इजाजत भी नहीं होती। पुलिस का असली मकसद होता है कि कैदी से सच उगलवाया जाए, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इस तरह से सच बताने को राजी नहीं है। पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा रिमांड में अब लॉरेंस बिश्नोई की पिटाई भी लग चुकी है। साथ ही अगर वह अब पुलिस की बातों का सही जवाब नहीं देता है तो आगे भी उसके साथ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई के वकील की तरफ से कोर्ट में याचिका दर्ज भी की गई है कि उनके क्लाइंट के साथ इस तरह का सलूक ना किया जाए, जबकि पुलिस का असली मकसद है सच को उगलवाना। दुनिया जानती है लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाले की हत्या करी थी, और बावजूद उसके अपनी बातों से अब वे रिमांड में पलट रहा है, जिसके बाद पुलिस आक्रोश में लॉरेंस बिश्नोई की और भी ज्यादा खातिरदारी कर रही है। लेकिन दोस्तों पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी, और अगर वह सही जवाब नहीं देता है तो यकीनन उनकी रिमांड पर पिटाई भी होगी। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या वास्तव में पंजाब पुलिस ठीक कर रही है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।